स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने सीखा था कि यूनिट्स कैसे निकालते हैं, डायमेंशंस कैसे निकालते हैं और डायमेंशंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनका हम यूज़ अब इस लेक्चर में करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में। यहाँ पे हम कुछ और इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। पर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखते वक्त सबसे पहले खाली हाथ ना बैठें, आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठें, तभी आपको इस वीडियो को देखने का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो अभी वीडियो को पॉज करें और अभी पेन और कॉपी लेके आए, तभी इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें, वरना स्टूडेंट्स आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्या फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने कॉपी और पेन साथ में रखा होगा। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ओके, डायमेंशन एनालिसिस। तो पहली एप्लीकेशन जो डायमेंशंस की है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, पहली एप्लीकेशन, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। हम क्या कर सकते हैं, किसी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन। वो क्या है, सिंपल सी चीज़ है, ये नाम बड़ा सा है, अभी अब बताऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। सिंपल सी बात क्या है, वो स्टेटमेंट तो हम पढ़ी दें, ऑल द एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव टर्म्स, बड़ी बड़ी लैंग्वेज है, ऑल द एडिटिव एंड सब्सट्रैक्टिव टर्म्स ये बुकों में देखने को मिल सकती है, इन एन इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी बताता हूँ एग्जाम्पल से, समझ में आएगा। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक इक्वेशन आपने पढ़ी हुई होगी, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बड़ी फेमस इक्वेशन है, टेंथ में पढ़ ली होगी आपने। अब देखो, ये इक्वेशन जो है हमें पता है कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के राइट हैंड साइड सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। भाई इधर फोर्स है तो इधर फोर्स ही होगा ना, इधर फोर्स इधर केजी थोड़ा ना हो जाएगा, ये बात तो हमें पता ही है। इनका और इनका मिला के डायमेंशन तो सेम होना ही होना है कि नहीं। और एक और बात भाई, ये जो क्वांटिटी है, अगर ये मास है तो ये भी तो मास ही होगा भाई, 1 kg + 2 kg, 1 kg + 2 kg, 3 kg देता है, इसका मतलब है। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं, 1 kg + 2 meter क्या देगा ये, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो सीधी सी बात है कि ये जो टर्म है, अगर इसकी यूनिट kg है तो इसकी यूनिट भी kg होना चाहिए, इसकी मीटर है तो इसकी भी मीटर होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी यूनिट मीटर है और इसकी यूनिट kg है और इसकी यूनिट मीटर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होगा तो ये इक्वेशन गलत है, यही बात है कि नहीं। यूनिट सेम है मतलब डायमेंशन भी सेम, हमने देखा भाई यूनिट सेम है तो डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होगा, है कि नहीं। तो सीधी सी बात यही कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला, अगर ये दो टर्म है एडिटिव टर्म, ये दो टर्म एडिटिव टर्म्स, इसके नीचे अगर माइनस होता तो सब्सट्रैक्टिव हो जाता, तो एडिटिव या सब्सट्रैक्टिव टर्म इक्वल में अगर कोई है, ऐड कर रहे हैं, तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। तो स्टूडेंट चेक कर लेते हैं क्या सेम है कि नहीं है। देखो अभी ये जो है यू, हमें पता है वेलोसिटी होता है, तो एल टी माइनस वन है ना, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यू टी निकाल रहे हैं हम, तो u का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस वन इंटू टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला, वो टाइम है आपको पता ही हो, टाइम है। देखो l आ गया यहाँ पे, देखो ये हाफ, हमें हाफ से तो कोई मतलब ही नहीं होता, हमने बताया था कि हम जब डायमेंशन एनालिसिस करते हैं तो हमें कांस्टेंट से मतलब ही नहीं होता है, उसको इग्नोर कर दो। तो हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला लिखें तो a क्या होता है उसमें, आपको पता है एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस टू, और ये क्या टाइम है, टाइम का स्क्वायर टी की पावर टू। देखो क्या आ गया, एल ही आ गया, देखो सेम है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तभी तो इक्वेशन को हम गलत नहीं कहते, पढ़ते आ रहे हैं तब से, ठीक है। अच्छा, और यहाँ एक और बात देखो, एक्स, एक्स क्या है, तो लेंथ है ना एक प्रकार की, तो ये खुद का डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या है, एक्स एल। तो इक्वेशन में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना ही चाहिए, साथ ही साथ एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है स्टूडेंट्स, वो क्या कि ये देखो, यहाँ हाफ की जगह पे टू भी होता ना, हाफ की जगह पे टू भी होता, ये इस जगह की बात करें, हाफ की जगह पे टू भी होता
तो भी हमारे हिसाब से इक्वेशन सही आती है, हम गलती नहीं फाइंड आउट कर पाते। फोर भी होता तो भी गलती फाइंड आउट नहीं कर पाते स्टूडेंट्स। यही एक लिमिटेशन है, ये एक लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, कि डायमेंशन एनालिसिस से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन गलत तो नहीं है डायमेंशनली गलत तो नहीं है। हाँ तो डायमेंशनली गलत नहीं है ये, इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए तो है, लेकिन हम ये नहीं पता कर सकते कि एग्जैक्टली इक्वेशन क्या हो, क्योंकि हाफ की जगह टू भी तो हो सकता था, थ्री भी तो हो सकता था, लेकिन हाफ है, ये लिमिटेशन है स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक इक्वेशन दी है वी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी माइनस टी टी प्लस सी। ये पूरा स्टूडेंट्स साथ में लिखा हुआ है और ये ब्रैकेट में क्या है, बी अपॉन टी प्लस सी। इसमें ये बता दिया कि वी क्या है, वेलोसिटी है, टी टाइम है। आपको बताना है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सी क्या होगा। तो स्टूडेंट्स मैं सजेस्ट करूंगा एक बार कि आप वीडियो पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें, है ना, जल्दी एक दो मिनट लें, आंसर निकालें, जो आपने सीखा उसको निकालें। अब जब आपको आता होता है, जब आपको पता है क्या करना है, टाइम लगाना चाहिए, फटाफट कर देना चाहिए, सोचना नहीं। गलत हो रहा तो भी करो, पहले खुद पे विश्वास करो, कर दो, फिर बताऊंगा ना मैं। तो स्टूडेंट पॉज करें और करें इसे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने पॉज किया होगा वीडियो और सॉल्व भी किया होगा। अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, अभी हमने सीखा कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड और इक्वल टू के राइट साइड तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना ही चाहिए, और जो प्लस माइनस साथ ऐड है ये और इनका डायमेंशन फॉर्मूला, ये और इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। तो पहले तो मैं ये लिखूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इंटू टी। यहाँ पे ए एक्सलेशन नहीं है स्टूडेंट्स, अगर होता तो मैं लिख देता, है ना, ये कांस्टेंट है, ए बी सी आर कांस्टेंट। पता नहीं ये कांस्टेंट के डायमेंशन भी हो सकते हैं, तो पता करना है हमें। और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी बाय टी प्लस सी सही है क्या, इतना तो लिख ही सकते हैं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, बस इसका डायमेंशन फॉर्मूला तो करते हैं। अब देखो डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी क्या होता है, लिख देता हूँ एल टी माइनस वन। सही लिखा है क्या स्टूडेंट्स, इसको क्या लिखें, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए इंटू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टी दिया टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखा जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टी प्लस सी। ये लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखो, पहले हम इतनी इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं ये, तो हमें यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से देखो इतने इसको सॉल्व करते हैं तो ये टी नीचे आते से ये बन गया एल टी माइनस टू बन जाएगा स्टूडेंट। थोड़ी मैथ्स है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू एल टी माइनस टू। अगर आपको ऐसी मैथ्स में दिक्कत आती है तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिख दें, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आप छोटी छोटी जो मैथ्स में डर जाते हैं, है बहुत छोटी सी चीज़, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। और अब हमें सॉल्व करना है बी के लिए और सी के लिए। तो स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान से देखें, सी तो सॉल्व हो चुका, देखो टी टाइम है, और हमने अभी पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कि कोई भी टर्म जो एडेड होती है तो उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो टी का डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सी, तो टाइम हो ही गया, तो टी का सी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, ए का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ये पूरी जो ब्रैकेट है यहाँ पे, इस पूरे का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, टी होगा ना, ये जो ब्रैकेट है टी और सी का सेम है टाइम, तो ये पूरा जो टाइम ही होगा। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन और इसको लेके सॉल्व कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बनेगा, यहाँ पे करता हूँ मैं सॉल्व, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इसका डायमेंशन फॉर्मूला टी हो जाएगा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हो गया एल टी माइनस वन, ये स्टूडेंट एल टी माइनस वन। तो हम देख रहे हैं बी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल इंटू ये और ये जीरो हो जाएगा, तो एल आ गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कितना आसान है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, दोबारा अगर आपको फीलिंग नहीं आई है कि कैसे करना है, तो आप पिछले दोनों क्वेश्चन लो, खुद सॉल्व करो, फिर मेरा लाइक देख लो इसमें एग्जांपल। मैं एक और एग्जांपल करता हूँ आपके सामने, आपको करना वही है, पहले आप क्वेश्चन समझोगे, वीडियो मैं जब वीडियो पॉज करने के लिए बोलूँगा तो आप वीडियो पॉज करोगे, लग जाओगे, फिर देखोगे आप।
तो स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है, आपको देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप देखेंगे आपके शीट या मॉड्यूल में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे शीटों में होता है, अलग अलग कोचिंग के जो मटेरियल्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन मिलेगा, आपने भी किया होगा या आप देखोगे इस क्वेश्चन को, इसलिए इसको लिया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसमें क्या बोला गया है, इक्वेशन दी है वो आप देख रहे हैं, इसमें एम मास है, ए एक्सेलरेशन है और एल जो है लेंथ है। हमें निकालना है बी का डायमेंशन फॉर्मूला। देखो बी कहाँ पे, बी यहाँ पे। इसमें और क्या क्या है, इसमें के भी है, यहाँ भी है के, यहाँ भी के है और ये तो वन है। तो के का डायमेंशन नहीं पता हमें डायमेंशन फॉर्मूला और बी का नहीं पता है, बट पूछा बी का है, हम तो दोनों निकाल देंगे। अब यहाँ देखो स्टार्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है सोल्यूशन। पहले मैं आपको कह दूं कि आप वीडियो पॉज करें, वीडियो पॉज करें खुद करें और फिर आप करें, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपने पॉज किया होगा और अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के राइट हैंड साइड सेम होता है डायमेंशनल फार्मूला, तो हम कर देंगे सेम। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी जो है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ये एम ए बाय के को मैंने एक साइड ले लिया, इनटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ये पूरा टर्म। तो अंडर रूट जो लिखा हुआ है, अंडर रूट, अंडर रूट से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, अंडर रूट अंदर वाली टर्म। अंडर रूट क्या होता है, ऊपर पावर हाफ आ जाता है ना। बाकी बाकी एक चीज़ देखो, अंदर क्या लिखा, वन, वन डायमेंशनलेस है। ये क्या है, डायमेंशनलेस। अगर ये डायमेंशनलेस है तो ये भी तो डायमेंशनलेस होगा ना, ये जो ये भी डायमेंशनलेस होगा पूरा टर्म, तो हाँ ये भी डायमेंशनलेस है, पहली चीज़। तो एक बात है कि जो अंदर लिखा हुआ पूरा क्वांटिटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वन आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये डायमेंशनलेस है, ये जो वन है डायमेंशनलेस है, तो ये जो क्वांटिटी है ये भी डायमेंशनलेस ही होगा, दोनों ही डायमेंशनलेस है। डायमेंशन लिखूंगा तो पावर वन आएगा, ये हाफ कुछ नहीं कर पाएगा, वन की पावर आप कुछ भी चढ़ा दो वन ही रहता है। डायमेंशन फॉर्मूला वन, डायमेंशनलेस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला वन आता है, हमें पता है। तो मैं तो फाइनल लिखने वाला हूँ, बी का डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी। इसको भी थोड़ा तोड़ देते हैं, ये लिखा है एम ए अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के। सही स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखें, अगर हमें के का डायमेंशन फॉर्मूला पता होता काश, तो अभी मैं बी का फॉर्मूला निकाल देता। लेकिन एक इक्वेशन यूज़ करेंगे जो अंदर लिखी हुई है, ये इक्वेशन, ये क्या बोलता है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वन इज इक्वल डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस, ये डायमेंशन लेस है तो ये भी डायमेंशन होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, लगाते हैं। क्या टू से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो टू को भूल जाओ। के एल बाय एम ए, ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, इसका मतलब डायमेंशन फॉर्मूला वन है इसका। इसका मतलब के इंटू एल का डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल टू, ये नीचे टर्म को ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, एम ए का डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहाँ से आ गया के का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एम इंटू ए बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एल। स्टूडेंट समझ में आ रहा है कितना इजी है। और आखिरी चीज़ ये आ गया, अब देखो जरा ढंग से, मैं के की जगह पर रखता हूँ वापस से, ये यहाँ पुट कर देंगे हम, तो एम ए को वैसे ही रहने दो डायमेंशन फॉर्मूला, और के की जगह पर हम लिख देते हैं पूरा टर्म, ये अपॉन आ जाएगा नीचे आ गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ एम, ऊपर आ गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ ये एल। तो ये तो स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया, और देखो बी का डायमेंशन फार्मूला और एल का डायमेंशन फार्मूला सेम हो गया। एल डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी फाइनली एक लेंथ है, एक लेंथ है ये। तो स्टूडेंट कितना ईजी है, समझ में आया? बस आपको प्रैक्टिस करनी है, आप यही तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो स्टूडेंट्स, अब आपके शीट में मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस पर रिलेटेड, वो आप करो, है ना। और आपको कोई डाउट आया आप कमेंट में लिख सकते हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन मूव करने जा रहे हैं, ठीक है, वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, चलो देखते हैं। स्टूडेंट्स कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे आते हैं ये। अब देखो क्या है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। देखो हम जानते हैं कि सपोज एक रॉड है, उसकी लेंथ सपोज है 2 मीटर। तो देखो 2 मीटर, ये मीटर तो क्या है, एसआई सिस्टम होता है ना, सिंपल इंटरनेशनल सिस्टम। अगर मैं सीजी सिस्टम लिखूंगा तो ये 200 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, लिखते हैं ना, इसी को हम 2000 मिलीमीटर भी तो लिख देते हैं, लिखते हैं ना, लिख सकते हैं। अब
ये हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं यूनिट का। जब मैंने मीटर में किया तो 2 मीटर, और सेंटीमीटर ये 200 सेंटीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर में कहा तो 200 हो गया, ये 2000 मिलीमीटर हो गया। तो अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो मीटर क्या कर रहे हैं हम, 2 × 1 मीटर, ये 200 × 1 सेंटीमीटर। स्टूडेंट 1 सेंटीमीटर अगर इतना है तो हम जानते हैं टू ये जो मीटर होगा ये साला कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा है कि नहीं, ये 100 टाइम्स बड़ा होता है। मतलब मीटर जो है, 1 मीटर बहुत बड़ी यूनिट है, और 1 मिलीमीटर तो और भी छोटा है, ये 1 मिलीमीटर और छोटा है। तो हम देखते जा रहे हैं कि यूनिट हम छोटी करते जा रहे हैं एक्चुअल में, 1 सेंटीमीटर फिर 1 मिलीमीटर यूनिट छोटी करेंगे, रॉड की लेंथ तो ना बढ़ जाएगी नापने से, है कि रॉड की लेंथ तो वही रहेगी, तो क्या हो रहा, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ते जा रही है। मीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर फिर छोटी यूनिट है, मिलीमीटर और छोटी यूनिट है, तो हम देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है बढ़ते जा रही। पर एक अच्छी बात हमें समझ में आ रही स्टूडेंट, इसको मिटाता हूँ पहले। स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट बात, कि अगर हम ऐसे बोलें कि ये अगर यूनिट है U1 और ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ पर ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई क्वांटिटी, यूनिट की कितनी क्वांटिटी लगी, ये यूनिट है और यूनिट की कितनी क्वांटिटी लगी, यहाँ पर भी ये यूनिट है U3 और ये यूनिट की कितनी क्वांटिटी लगी N3, तो हम देख रहे हैं कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहता है, N × U कॉन्स्टेंट है, बस इसी का तो यूज़ करेंगे हम। अब इससे हम करेंगे क्या, हमने तो अभी देखा सिर्फ ये क्या है, एक बेस क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी कितनी है 7। हम जैसे जानते हैं कि ये जो लेंथ है, लेंथ 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ये हमें पता है। तो वैसे ही हमें एक और चीज़ पता है ना, 1 kg कितना होता है, 1 kg होता है 1000 ग्राम, है कि नहीं। वैसे टाइम में कन्वर्जन भी तो करते आता हमें, अगर हम बोलते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकेंड, 60 सेकेंड्स होता है। बट क्या करें, CGS सिस्टम ले लो, चाहे MKS सिस्टम ले लो, या SI सिस्टम ले लो, सब में टाइम की यूनिट हमने सेकेंड ही रखी है। तो ठीक है, पर किसी सिस्टम में हमने बनाया नया सिस्टम, उसमें मिनट में मेजर करते होंगे, तो देखना हेल्प मिलेगी अभी और समझ में आएगा। वैसे ही जितनी भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, उन सब के हमें कन्वर्जन फैक्टर पता है। कन्वर्जन फैक्टर है ये कि 1 मीटर को सेंटीमीटर लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कन्वर्जन फैक्टर है ये, 1 kg को 1 kg को ग्राम में लिखना है तो क्या 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वैसे ही अगर मुझसे कोई बोलता है कि बताओ 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये कौन सा सिस्टम है, SI सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम है, CGS सिस्टम। तो SI सिस्टम में 1 सेंटीमीटर अगर 1 मीटर पर सेकेंड है तो CGS सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, ये पूछा जा रहा है कि नहीं। तो ये मान लेता हूँ N न्यूमेरिकल वैल्यू, कैसे निकालेंगे बच्चों, आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स की 1 मीटर और यहाँ पे क्या हो गया सेंटीमीटर, तो N की वैल्यू 100 है, सीधी सीधी बात है, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड तो सेकेंड ही रहा। तो ये तो बहुत छोटा सा हो गया, ये तो बहुत सिंपलेस्ट केस हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ, सपोज करते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन। अब आप घबराना मत कि डाइन क्या आ गया, ये तो न्यूटन पढ़ा ही नहीं हमने, तो न्यूटन होती है SI यूनिट फोर्स की, है ना, और डाइन होती है CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ये स्टूडेंट्स ऐसा घबराना नहीं है, ये याद रखना है हमको, डाइन होता है CGS यूनिट्स। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई 1 kg meter second माइनस को देखो, मैंने यूनिट्स ली दी, न्यूटन को ये भी लिख सकते हैं ना, 1 यूनिट ऑफ फोर्स ये होगा, उसको न्यूटन बोलते हैं, इज इक्वल टू कितना टाइम्स, ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस टू, यही तो पूछा जा रहा है। मतलब N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 तो रहना ही रहना है, उसमें N1 की वैल्यू दे दी है कितनी 1, U पता है हमें, N2 की वैल्यू पता नहीं है, N2 ही तो फाइंड करना है, और U2 पता है, ये है ना U2।
तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 ये चीज़ रहनी है, ये हमारी स्टार इक्वेशन है, इसी से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो कैसे सॉल्व होंगे, 1 kg क्या करता हूँ मैं, kg को ग्राम में लिख देता हूँ, kg को ग्राम में लिख देता हूँ, क्या होगा 10³ ग्राम। मीटर जो लिखा है यहाँ पे उसको मैं सेंटीमीटर लिख देता हूँ, ये हो गया 10² सेंटीमीटर। सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा क्योंकि ऐसा ही सिस्टम में यूनिट सेकेंड ही होती है टाइम की। यहाँ पे क्या है n2 तो है ही, ग्राम की जगह ग्राम ही रहने दो, सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर ही रहने दो, सेकेंड -2। क्या करना है स्टूडेंट्स, ये देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, क्या आ गया n2। देखो स्टूडेंट्स अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स बहुत ईजी है, लेकिन क्या होता है अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने तो मैथ्स पढ़ा ही नहीं, तो एक डर सा रहता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट में लिखें, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, इसमें बेसिक मैथ्स जो ज़रूरत पड़ती है हमें फिजिक्स समझने के लिए वो इम्पोर्टेंट है करना। ये 10³, 10² ये होता है बेस, बेसिस अगर सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, मतलब ये हो जाएगा 10⁵। मतलब स्टूडेंट्स कितना बढ़िया कंक्लूजन अब हमारे सामने है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स, यही फाइंड करने थे बोल रहे थे। आए स्टूडेंट समझ में कितना इजी है, बस कन्वर्जन फैक्टर हमें अगर बेस क्वांटिटीज का जैसे लेंथ का मास का पता है तो हम कोई और डिराइव्ड क्वांटिटीज का भी निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल को आपको पहले करना है, पॉज करके वीडियो पॉज करके आपको करना है, फिर मैं करूँगा एग्जांपल। स्टूडेंट सपोज इसका लेते हैं, प्रेशर जो होता है, प्रेशर को ऐसा ही सिस्टम में प्रेशर छोड़ दो, अभी अपन क्या करते हैं एनर्जी, एनर्जी की बात करते हैं एनर्जी। तो अगर हम बात एनर्जी, एनर्जी की यूनिट जो ऐसा ही सिस्टम में होती है स्टूडेंट्स, ऐसा ही यूनिट वो होती है जूल, और सीजीए सिस्टम में यूनिट होती है एनर्जी की वो होती है अर्ग। आप जानते ही हैं यूनिट क्या होती है, यूनिट अगर लिखने जाएंगे तो वो होगी केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, और यहाँ पर, यहाँ पर क्या होगा तो मैं लिखूँगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यूनिट याद रहे, है ना, यूनिट याद रहनी चाहिए, या फिर डायमेंशन। डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों डिराइव किया हमने, क्योंकि यूनिट में ऐसे सिस्टम्स तो कई सारे हो सकते हैं, ऐसा SI सिस्टम है, CG सिस्टम है, एक FPS सिस्टम भी होता है, FPS और भी सिस्टम बनाने को हम कई बना सकते हैं, तो फिर क्या सबकी यूनिट अलग अलग हो जाएगी, हम सबके कब का तो नाम देंगे। जैसे हम SI सिस्टम में एक यूनिट ऑफ मास को kg बोलते आ रहे हैं, एक यूनिट ऑफ लेंथ को मीटर बोलते आ रहे हैं, जबकि CG सिस्टम एक यूनिट ऑफ मास को ग्राम बोलते आ रहे हैं, एक यूनिट ऑफ लेंथ को सेंटीमीटर बोलते आ रहे हैं, तो ये कब तक याद रखेंगे, नहीं कर सकते ना, ये तो याद रहेगा सीजी सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। इसलिए हमने क्या किया, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा। सीधे सीधे डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखो, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML² T-2। मतलब अगर कोई बोलता है कि एसआई सिस्टम में बताओ यूनिट, तो वो हो जाएगी एम मास जगह पे यूनिट लिख दो, केजी लेंथ की जगह पे मीटर लिख दो, मीटर स्क्वायर सेकेंड लिख दो -2। कोई सीजी सिस्टम में बोलता है ये ऐसा ही हो गया, कोई CGS में बोलता है तो CGS में क्या हो जाएगा, यही ग्राम हो जाएगा, ये लेंथ की जगह पे हम सेंटीमीटर पुट कर देंगे, स्क्वायर और सेकेंड -2। तो देख रहे हो अभी FPS कोई बोलेगा तो तुम FPS में भी फीट पाउंड सेकेंड, ये हो जाएगा पाउंड, ये हो जाएगा पाउंड आएगा यहाँ पे, फिर आएगा फीट का स्क्वायर, फिर आएगा सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड की पावर -2। तो इसलिए स्टूडेंट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम डायमेंशनल फॉर्मूला याद रख लें तो हमें फिर चिंता ही नहीं है, फिर तो हम कोई किसी भी सिस्टम में यूनिट लिख सकते कि नहीं लिख सकते। ये है स्टूडेंट्स, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि SI सिस्टम में बात कर रहे हैं, सिस्टम बात कर रहे हैं हम SI सिस्टम और CG सिस्टम से बहुत फैमिलियर हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती, हमें सबके 1 यूनिट ऑफ मास कितना होता है SI सिस्टम में तो kg होता है, 1 यूनिट ऑफ लेंथ मीटर होता है, इसी प्रकार ग्राम और सेंटीमीटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको समझ में आएगा कि डायमेंशन फॉर्मूला क्यों। अभी तो क्वेश्चन ये है, बताओ 1 जूल
इज इक्वल टू कितना अर्ग। मतलब आप जानते ही हैं कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 होता है, तो n1 दे दिया है, ऐसा ही सिस्टम है, n1 दे दिया है 1, और यूनिट तो ये यूनिट टर्म पता ही, हम लिख देंगे, वैसे ही यूनिट यहाँ भी पता है, n2 नहीं बताया उनने, तो यहाँ पे n2 निकालना है स्टूडेंट्स, फाइंड n2। तो स्टूडेंट्स पॉज करें वीडियो को, पहले खुद से सॉल्व करें फिर देखें। स्टूडेंट्स आई थिंक आपने सॉल्व किया होगा, है ना, और अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल है, क्या करूँगा मैं, ये इक्वेशन का यूज़ करूँगा, स्टार इक्वेशन है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, n1 तो 1 है ना, यूनिट क्या होती है, तो देखो ये लिखा हमने kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 इज इक्वल टू, ये देखो n2 है, n2 u2 यूनिट ले देते हैं, ये रही यूनिट ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब आगे क्या करते हैं, केजी को हम लिख देते हैं 10 की पावर, ये 1 तो ऐसी रहा, केजी की जगह पे 10 की पावर 3 ग्राम कर दिया, मीटर की जगह पे, मीटर का स्क्वायर ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, तो ये 10 की पावर 2 सेंटीमीटर हुआ, इसका भी स्क्वायर है, ये बहुत छोटी छोटी मैथमेटिक्स है स्टूडेंट्स, घबराना नहीं इससे, भिड़ जाओ उसके पीछे और एक बार सॉल्व हो जाएगा फिर ख़त्म, n2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2। अब देखिए रहे स्टूडेंट्स यहाँ देखो ये जो टर्म है, सेंटीमीटर जब बाहर निकलेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ख़त्म, कैंसिल होगा, ये ग्राम कैंसिल होगा, सेकेंड कैंसिल हुआ, यहाँ पे देखो n2 की वैल्यू क्या होगी, तो ये 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है स्टूडेंट्स, 10 की पावर 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4 और जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है 10 की पावर 7। मतलब फाइनली कंक्लूजन ये है कि 1 जूल जो है 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। स्टूडेंट्स ये याद हो सके तो याद कर लो, ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, क्योंकि एनर्जी फोर्स मोमेंटम ये तो बार बार आएगा, है ना, आगे भी आता रहेगा, तो इसके याद ही हो जाए कन्वर्जन फैक्टर। और दो सिस्टम ही बहुत ज़्यादा फेमस है, ऐसे सिस्टम और CGS सिस्टम, अगर ये सब कर लिया बस ये तो याद होगा, तो फिर आगे भी हेल्प मिलती है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेवल बढ़ाने जा रहा हूँ मैं, अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने मन से एक नया सिस्टम बनाऊँगा अपने मन से, और उस सिस्टम में हो सकता है हमें नहीं पता होगा कि 1 यूनिट ऑफ लेंथ मीटर है या सेंटीमीटर है, जैसे हमें ऐसा सिस्टम में तो पता है 1 यूनिट ऑफ लेंथ हमने क्या माना है, उसका नाम दिया हमने 1 यूनिट ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेकिन कोई नया सिस्टम बना लिया उसमें क्या करेंगे। तो स्टूडेंट देखो एक क्वेश्चन बनाता हूँ मैं आपके सामने, लिखता हूँ और फिर उसको एक बार आप ट्राई करना फिर मैं करूँगा। ओके स्टूडेंट्स अब देखें ये एक आपके सामने क्वेश्चन बना है, ये देखो एक नया सिस्टम है, मैंने कहा एक नया सिस्टम, जैसे ऐसा सिस्टम था सीरीज सिस्टम था, एक नया सिस्टम स्टार सिस्टम। स्टूडेंट्स ये क्या है, मतलब हम क्यों सिस्टम बना रहे हैं, एक डाउट आता होगा मन में। तो स्टूडेंट्स देखो हम डे टू डे लाइफ में जब बात करते हैं तो हम कितना वजन उठाते हैं नॉर्मली, 2 kg 3 kg 10 kg 100 kg, तो kg हम देख रहे हैं 100 kg इस प्रकार से ही होता है, या बहुत कम चले गए ग्राम में चले गए, तो देख रहे हैं कि 2 kg 3 kg 4 kg, तो हमने देख रहे हैं कि 1 kg जो है एक अच्छी यूनिट है डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के लिए, हम जब बात करते हैं 1 kg, क्योंकि 1 kg 2 kg चलता है समझ में आता है, हम अगर चल रहे हैं किलोमीटर्स में मीटर्स में बात करें तो 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर 20 मीटर ये हम आराम से नाप लेते हैं, तो ये भी एक यूनिट होगी जो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ कर पा रहे हैं, नंबर भी बड़े छोटे छोटे आ रहे हैं 2 मीटर 4 मीटर, हमको चलना ही होता है 5 मीटर 10 मीटर इस प्रकार से, एक घर के अंदर कितना चलोगे आप, 10 मीटर चले 5 मीटर चले एक रूम से दूसरे रूम में चले गए, तो हमें इतना ही चलना पड़ता है, नंबर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो कम आ रही है। अब मान लो हमको जाना है एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट, अब डिस्टेंस कैलकुलेट करो स्टूडेंट्स मीटर में आएगा 10 करोड़ मीटर, पता नहीं उससे भी ज़्यादा, अब आप बोलो 10 करोड़ अंदाजा लगा पाओगे आप, आपको मैं बोलता हूँ कि 1 किलोमीटर दूर जाना है तो आप थोड़ा सोच रहे हाँ 1 किलोमीटर तो चल जाएंगे, आपको बोल दिया 100 किलोमीटर दूर जाना है, नहीं स्टूडेंट्स 100 किलोमीटर दूर जाना है तो हमें नहीं एकदम अंदाजा होता कि 100 किलोमीटर एक शहर में अगर आपको कहीं जाना है एक कोने से दूसरे कोने, तो आप बता दोगे यार टाइम लग जाएगा हमें 10-15 मिनट लग जाएगा, 2-3 किलोमीटर जाना है, तो हमें बोल दूँ 100 किलोमीटर जाना है
तो आप 100 किलोमीटर का अंदाज़ा नहीं लगा पाऊंगे कि भाई कितना टाइम लगेगा वहाँ, कैसा रास्ता है, कुछ नहीं पता है ना, एक अंदाज़ा दे रहा हूँ मैं आपको। और फिर आपको 100 नंबर बड़ा हो गया, जैसे बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तो हम उतना कैलकुलेशन नहीं कर पाते, और यहाँ तो 1 करोड़ मीटर आ गया, है कि नहीं। कितना मास है? तो भैया मिलियंस टाइम्स ज़्यादा मास होता है एक ही प्लैनेट्स का, हम डेली तो 10-10 केजी की बात करते हैं। तो ऐसे में क्या चाहते हैं, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कम करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ जाती ना तो हम एकदम से माइंड में कैलकुलेशन नहीं कर पाते, आई क्या बात समझ में। तो हम वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को कर पाएँ इसलिए हम क्या कर देते हैं, 10 की पावर 10 केजी बोलने की जगह पर 1 स्टार केजी बोल दो ना उसको, इसको नाम दे देते हैं अपन, क्या नाम देते हैं इसको, 1 स्टार केजी। अभी नाम नहीं दिया था, हमें पता नहीं था लेकिन आया थॉट, इसको अपन कहते हैं 1 स्टार लेंथ बोल दो इसको, 1 स्टार लेंथ, स्टार लेंथ, और ये 1 स्टार टाइम, कुछ इस तरीके से। तो 1 स्टार टाइम, 1 स्टार केजी इज इक्वल टू इतना केजी। भैया अब हमें कोई बोल देता है भैया 1 स्टार केजी इतना होता है, अगर इसका हमें अंदाजा है तो हम बोलेंगे 2 स्टार केजी, 4 स्टार केजी, 2 गुना 3 गुना, हम कम से कम कुछ अंदाज़ा लगा पाते हैं जब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कम होती है तो। चलो स्टूडेंट, इसलिए नए नए सिस्टम ऐसे कई इनफाइनाइट टाइप के सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं करने को। अब हमें एक सिस्टम दिया है, हमसे पूछा है बताओ ऐसे में कि 1 स्टार जूल कितना जूल होगा, लेकिन तो देखो स्टूडेंट मैं सॉल्व करता हूँ इसको। पहले करना तो यही है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, n1 तो हमें दिया हुआ है 1, n2 नहीं दिया हुआ है, हमें पता है कि स्टार जूल है तो जूल ना एनर्जी है ना, एनर्जी का डायमेंशन होता है ML² T - 2 स्टूडेंट्स, यही होता है। तो यहाँ लिखूँगा मैं n1 की जगह पे 1 इंटू u1, जब लिख जाऊँगा तो देखो क्या लिखना है मुझे, क्या लेंथ बोली हमने स्टार KG, तो मैं लिखूँगा स्टार KG। अब स्टूडेंट देखो मेरे को स्टार पहले लिखना पड़ेगा स्टार KG, वहाँ पे अगर ये यहाँ लिखता मैं जूल में तो देखो N2 लिखता और जूल की जगह पे लिख देता KG, है ना, KG लिख देता, m² s² - 2, कितना फास्ट लिख दिया मैंने, क्योंकि हमें तो उसके सिंबल भी पता है, KG बोलते हैं हम एक यूनिट ऑफ मास को, उसका सिंबल भी पता है। यहाँ तो स्टार जूल स्टार लेंथ स्टार मास लिखना पड़ेगा, फिर आ रही बात समझ में। तो इसलिए बेटर है ना यार हम MLT लिख देते हैं ना, ML² T - 2, हमें पता है यहाँ पे ये M क्या है, तो M हम इसकी बात कर रहे हैं, L की बात करें तो हम स्टार लेंथ की बात कर रहे हैं। एक प्रकार से हम जब भी कोई नए सिस्टम में बात करेंगे तो हम ऐसे लिख देंगे, इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो यही दी हुई है कि 1 M इज इक्वल टू 10 की पावर 10 kg, ये दिया हुआ है। हम बोल देंगे हमें नहीं पता ना इनका नाम क्या है, इनके यूनिट्स का नाम क्या नहीं पता, तो हम MLT बोल देंगे, 1 L इज इक्वल टू 10 की पावर 8 मीटर बोल देंगे, 1 T इज इक्वल टू 10 की पावर 4 सेकेंड बोल देंगे। स्टूडेंट कितना ईजी हो गया हमारे लिए। अब देखो फटाफट सॉल्व करना है ये, इसको ऐसे रहने देते हैं, मैं बस M की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 10 की पावर 10, तो 1 तो ऐसा का ऐसा रहा, ये स्टूडेंट ये वाला 1 यहाँ लिखा है, इंटू 10 की M की जगह पे 10 की पावर 10 kg, L की जगह पे क्या लिखेंगे 10 की पावर 8 मीटर, लेकिन ऊपर स्क्वायर स्टूडेंट भूलना नहीं है। यहाँ देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा है, ये 1 T मतलब 10 की पावर 4 की पावर -2 भी है यहाँ पे। स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसको सॉल्व किया था तो सेकेंड ही था, जूस में किया था, यहाँ पे आ गया 10 पावर 4 - 2 इज इक्वल टू, ये आ गया N2 × kg kg m² s² - 2। देखो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड केजी है, केजी से केजी कैंसिल, मीटर स्क्वायर बाहर निकलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 की पावर 4 सेकेंड आएगा यहाँ पे, सेकेंड मैंने लिखा नहीं सेकेंड, लेकिन सेकेंड की पावर -2 भी आएगा, ये कैंसिल हो जाना है। तो देखो N2 है, अब यहाँ कैलकुलेशन है, 10 की पावर 10 × 10 की पावर ये 8, और यहाँ पे 2 है स्टूडेंट, ये 2 नहीं भूलना है, 10 की पावर पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है 16 इंटू, ये क्या है 10 की पावर कितना हो गया, ये -4, -4 × 2 तो -8 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और आप सारी पावर ऐड हो जाएगी तो 10 की पावर स्टूडेंट्स कितना हो गया, 10 की पावर ये सारी पावर ऐड हो जाएगी, 10 तो कांस्टेंट है,
एक बेस है, 10 सेम बेस है, तो ये 8 18, मतलब स्टूडेंट 1 star joule, 10^18 joule के बराबर है। मतलब स्टार जूल बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है। और क्यों ना हो भैया, एक स्टार से दूसरे स्टार पे जाना होगा तो ऐसी ही एनर्जी होगी। तो स्टूडेंट्स, आया कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में एक और आखिरी एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, वो हम पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, रिलेशंस निकालते हैं, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद आखिरी एक वीडियो और बनाएंगे हम, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो वीडियो स्टूडेंट्स, वो भी देखना है। अभी आप इस प्रवेश क्वेश्चन कर सकते हो, और कुछ आपको लगता है कि आपको समझाने में मुझे कुछ सुधार करना चाहिए, या कुछ लेवल ज़्यादा है कम है, तो आप कमेंट में लिखो, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समझा पाऊँ। ओके स्टूडेंट्स, तो बाय। हैप्पी लर्निंग।